कॉफी और मेहंदी हेयर पैक को लेकर आपके मन में और दिमाग में जितने भी क्वेश्चंस हैं उन सभी क्वेश्चन के आंसर आज आपको इस वीडियो में मिलने वाले हैं। इस वीडियो को फुल वॉच की। सफेद बालों को काला करने का 100% रिजल्ट देने वाली रेमेडी आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ कि घर पर ही आपको सफेद बालों को किस तरह से काला करना है। मैंने ये रेमेडी अपने बालों पर भी यूज की थी, आप रिजल्ट देख सकते हैं कि कितना प्यारा कलर आया है मेरे बालों पर, डार्क ब्राउन कलर, और मेरे बाल किस तरह से शाइन कर रहे हैं। गाइस, इसको लगाने से आपका एक एक सफेद बाल बिल्कुल जड़ से कवर हो जाएगा, आपका सफेद बाल है जो बिल्कुल ब्लैक कलर में कन्वर्ट हो जाएगा। इसे लगाना और बनाना बहुत ही आसान है। मैं आप सभी का दिल से वेलकम करती हूँ अपने चैनल जीवन ब्यूटी टिप्स में। गाइस, अगर आपने अभी तक भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, पास में छोटा सा बेल बटन होगा इसे जरूर क्लिक कर लेना ताकि जो मेरी हर आने वाली वीडियो आप वॉच कर पाए। गाइस, छोटी सी वीडियो है, वीडियो को फुल वॉच कीजिए तभी आपको पूरी जानकारी मिलेगी, उसके बाद ही इस रेमेडी को बनाकर अपने बालों पर ट्राई कीजिएगा। मैजिकल कॉफी हेयर पैक बनाने के लिए आपको सबसे पहले लेना होगा लोहे का पैन। एक लोहे का बर्तन लीजिए, इसमें ऐड कीजिए 6 से 7 चम्मच कॉफी पाउडर। आपके घर में जो भी कॉफी पाउडर अवेलेबल है आप उसे यूज कर सकते हैं। अब आपको लेनी है जी हिना जानी की मेहंदी। आपको मेहंदी अपने बालों की लेंथ के अकॉर्डिंग यूज करनी है। मैंने यहाँ पर 15 से 20 चम्मच मेहंदी के लिए है। अब आपको लेना है जी विनीगर जानी की सिरका। आपको 1 चम्मच के करीब सिरका इसमें ऐड करना है। सिरका ऐड करने से आपके बाल बहुत ही ज़्यादा शाइनी और सिल्की हो जाएंगे। अब आपको कॉफ़ी और चाय पत्ती को एक पैन में डालकर 1 गिलास पानी डालिए, उसको अच्छी तरह से उबालकर आपको इस पानी से इस मेहंदी का पेस्ट तैयार करना है। इस तरह से इसे अच्छी तरह से इस पानी से मिक्स कर लीजिए और मिक्स करने के बाद आपको 3 घंटे के लिए इसको रेस्ट करने के लिए छोड़ देना है। और 3 घंटे के बाद कैसे अपने बालों पर इसे अप्लाई करना है आगे आपके साथ वीडियो में शेयर कर रही हूँ। मैं आप सभी का दिल से थैंक यू करना चाहूंगी कि आपने इतना प्यार और इतनी सपोर्ट मेरे चैनल को दी है। आगे भी अपना प्यार और सपोर्ट मेरे चैनल पर इसी तरह बना के रखिए। इस रेमेडी को बनाकर जरूर ट्राई कीजिए। छोटी उम्र के बच्चे, 10 साल से बड़ी एज के बच्चे, बुजुर्ग, बड़े सभी इस रेमेडी को अपने बालों पर लगा सकते हैं। सबको ये 100% रिजल्ट देने वाली है। साथ ही साथ इसको लगाने से आपके बाल बहुत ही ज्यादा सॉफ्ट, स्मूथ एंड शाइनी नजर आएंगे। गाइस, जो मेरे पुराने व्यूवर्स हैं उन सभी को पता है कि मैं हेयर रेमेडी के साथ साथ आपको टिप भी देती हूँ। आज का टिप ये है कि आपको जब भी कोई हेयर पैक अपने बालों पर अप्लाई करना है सबसे पहले शैम्पू की हेल्प से अपने बालों को अच्छी तरह से वॉश कर लीजिए, तभी आपको बेस्ट रिजल्ट मिलेगा। अब आपको शैम्पू की हेल्प से बालों को वॉश कर लेना है और इस पैक को अपने बालों की रूट्स पर, बालों की लेंथ पर अच्छी तरह से अप्लाई कीजिए और 2 घंटे के लिए इसको ऐसे ही रेस्ट करने दीजिए। 2 घंटे के बाद आपको नॉर्मल पानी से अपने बालों को वॉश करना है और नेक्स्ट डे आपको शैम्पू और कंडीशनर यूज़ करना है। गाइस, अब बात करते हैं कि जो लोग कहते हैं कि मेहंदी लगाने से हमारे बाल बहुत ही ज़्यादा ड्राई और फ्रीजी दिखाई देते हैं, तो गाइस आपने 2 टेबल स्पून इसमें कोकोनट ऑयल ऐड करना है। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि कोकोनट ऑयल ऐड करने से आपके बालों पर रंग नहीं आएगा। कॉफ़ी और मेहंदी का रंग बहुत ही प्यारा आएगा आपके बालों पर। अब कुछ व्यूवर्स ये भी कहते हैं कि मेहंदी और कॉफ़ी लगाने से हमारे बालों में खुजली हो जाती है, तो गाइस उसके लिए आपको 2 लेमन का जूस यानी कि 3 से 4 चम्मच लेमन जूस अपनी इस पैक में ऐड कर लेना है और अपने बालों पर अप्लाई कर लेना है। अब मैंने इस पैक को अपने बालों पर 3 घंटे के लिए छोड़ दिया था और 3 घंटे के बाद नॉर्मल पानी से वॉश करने के बाद मैं वीडियो अपलोड कर रही हूँ। आप वीडियो में देख सकते हैं कि मेरे बाल कितने प्यारे लग रहे हैं। उम्मीद करती हूँ कि आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर करना मत भूलिएगा। नीचे लाइक का बटन है उसे जरूर क्लिक करना। आपके एक एक लाइक से मुझे बहुत सारी मोटिवेशन और सपोर्ट मिलती है। तो गाइस, अगर आपने अभी तक भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नीचे जो रेड कलर का सब्सक्राइब बटन है उसे क्लिक कीजिए और ग्रे में कन्वर्ट कर दीजिए। मिलते हैं मेरी नई और नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक आप अपना ख्याल रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय, बी हैप्पी एंड बी पॉजिटिव।